दोस्तों सभी लोग अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए काफी कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी सेहत को बनाने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और फल फ्रूट्स भी खाते हैं। इसी तरह काफी सारे हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो काफी सारे उपायों को भी अपनाते हैं, घरेलू नुस्खों को भी अपनाते हैं, जिससे वे तंदुरुस्त और एक स्वस्थ शरीर पा सके। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और इसके लिए आपको ना तो कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता है और ना ही जिम जाने की। अगर देखा जाए तो सभी लोगों के घर में रोटी बनती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी रोटी बच जाती है। ऐसे में कुछ लोग रात की बची रोटी को सुबह खा लेते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस रोटी को बेकार समझ कर फेंक देते हैं। लेकिन आप शायद इस बात को नहीं जानते कि आप जो बासी रोटी फेंकते हैं वह आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक, कितना फायदेमंद होती है। दोस्तों अगर रात की बासी रोटी को दूध में मिलाकर खाते हैं तो इससे आपके शरीर को काफ़ी फायदा मिलेगा। पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग बासी रोटी को फेंकते नहीं थे बल्कि उसे खा लिया करते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर एकदम फिट व स्वस्थ रहता था, उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी। आज मैं आपको बासी रोटी से क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए जानते हैं बासी रोटी खाने के फायदों के बारे में। दोस्तों आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बासी रोटी बहुत ही फायदेमंद होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है अगर वह बासी रोटी को गर्म दूध में मिलाकर खाते हैं तो उनको डायबिटीज़ में काफ़ी फायदा मिलेगा। इससे डायबिटीज़ रोगियों के ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल होती है। बासी रोटी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। इसी वजह से बासी रोटी स्वास्थ्य के नज़रिए से काफ़ी फायदेमंद होती है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है उन लोगों को बासी रोटी का सेवन ठंडे दूध में मिलाकर करना चाहिए। ऐसा करने से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में काफ़ी फायदा मिलता है। जिन भी लोगों को पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, पेट में गैस बनता हो, अपच की समस्या हो, गैस्ट्रिक की समस्या हो, पेट फूल जाता हो, खट्टी डकारें आती हो, खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट ना होता हो, उनके लिए बासी रोटी बहुत ही फायदेमंद है। उनको बासी रोटी का सेवन दूध के साथ सुबह करना चाहिए। इससे कब्ज और एसिडिटी की परेशानियाँ खत्म हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में कमजोरी रहती है और वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, कुछ भी खाए पिया शरीर में नहीं लगता है, तो वो बासी रोटी का सेवन दूध के साथ करें। उन लोगों को सुबह और रात को बासी रोटी दूध के साथ जरूर खाना चाहिए। इससे उनका शरीर स्वस्थ होगा और वजन भी बढ़ेगा। सुबह की रोटी शाम को खाइए और शाम की रोटी सुबह खाइए। दोस्तों आज के बाद आप कभी भी बासी रोटी को फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचें कि हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो बासी रोटी का दूध के साथ सेवन करें। साथ ही बासी रोटी खाने से पहले भी आपको कई बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि 12 से 16 घंटे पहले बनी रोटी को अगर आप खाएंगे तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। आप सुबह की बची हुई रोटी रात में और रात की बची हुई रोटी सुबह खा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा बासी रोटी हो तो उसे आपको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों बासी रोटी को अपने आहार में जरूर शामिल करें और स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।